जानी सर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तो वह निशेमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और निशेमा है कि मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू रखती हूँ, आपकी जिंदगी में तो सिर्फ फरा ही वैल्यू रहती है, मैं यहाँ पर आपके साथ मौजूद थी लेकिन मुझे आपके दिल का हाल नहीं मालूम था कि आप फरा से मिलते हैं। वो तो अम्मा साई और बाबा साई की वजह से मुझे मालूम हुआ कि वो लोग यहाँ पर किस वजह से आए हैं, आपको रोकने के लिए आए कि आप दो लड़कियों की जिंदगी पर बात कर रहे हैं। आप तो मुझसे ये कहते हैं कि आप फरा से मोहब्बत नहीं करते, उसे भूल चुके हैं, लेकिन वो बार बार आपको क्यों फोन करके बुलाती है? अगर वो फोन करके बुलाती है तो आप उसे इग्नोर क्यों नहीं करते? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझसे मोहब्बत कहते हैं, तो फरा हम दोनों के दरमियान कहाँ से आ गई? निशेमा मुझे लगता है कि फरा हम दोनों को दूर कर रही है और वो तो चाहती यही है कि हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए ताकि वो हम दोनों के दरमियान आ सके, और वो हम दोनों के दरमियान आ चुकी है। निशेमा आप मेरा साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप फरा से मोहब्बत कहते हैं तो मुझे बता दें, मैं खुद ही आप लोगों की जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत दी है कि मैं इस इज्जत के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और लड़की को आपकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कश्माला से आपके निकाह हुआ सिर्फ अम्मा साई और बाबा साई की वजह से, लेकिन अगर आपने फरा के साथ कोई भी ताल्लुक रखा अपनी वजह से रखेंगे, क्योंकि अम्मा साई और बाबा साई आपको रोक रहे हैं कि आप फरा से ना मिले, उसके साथ कोई भी ताल्लुकात ना रखें। तो व्यूअर्स आपको लगते हैं कि आप फरा निशेमा और दुआ को दूर करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।